नमस्कार, ivn9.live में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर से आ रही तमाम तस्वीरों ने अंदर से हिला कर रख दिया है। कुछ भी कहने सुनने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। पहले आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें यूके के बर्मिंघम अस्पताल की तस्वीरें हैं और इस पैकेट में लाश है। सौगरी पूरी तरीके से भरे पड़े हैं, जगह कम पड़ गई है तो तमाम कमरों में, वार्डों में, ऑफिस में लाशों को रखना पड़ रहा है। आज ये देश रो रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स वर्ल्ड के जाने माने डॉक्टर हैं, दिन रात एक करके लोगों का इलाज कर रहे हैं, फिर भी उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। और भी बहुत सी तस्वीरें हैं हमारे पास, अमेरिका की, इटली की, फ्रांस की, उनको हम बाद में आपको दिखाएंगे। पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। लॉकडाउन ने कोरोना के कहर को पिछले दो दिनों से नियंत्रण में रखा था, लेकिन कुछ समुदाय और कुछ जाहिल लोगों की वजह से आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी ज्वालामुखी पर बैठा नजर आ रहा है। हमारी और आपकी तपस्या, कुर्बानी और देशभक्ति पर ग्रहण बनकर मंडरा रहे हैं ये लोग। दिल्ली के तबलीगी जमात में लोगों का जमावड़ा और फिर वहाँ से देश के 22 राज्यों में इन जमातियों का छुपना, ये देश और देशवासियों के साथ गद्दारी है। आज मैं क्या सही है और क्या गलत है इस पर बात नहीं करूंगा। तमाम चैनल इन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। आज मैं किसी धर्म पर भी आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी धर्म इंसानियत के खिलाफ नहीं होता है। ऐसा है तो वह धर्म के नाम पर पाखंड है। आज मैं सिर्फ तस्वीरें दिखाऊंगा और उन तस्वीरों पर बात करूँगा। सबसे पहले निज़ामुद्दीन के मस्जिद की ये तस्वीरें देखिए। जब पूरा देश अलर्ट मोड पर था, तब ये डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर अपने कानून के हिसाब से जी रहे थे। अपना कानून मतलब संविधान के नियम नहीं, इनके अपने बनाए हुए कानून। वो खड़े हो जाओ, गेट नीचे न चल जाए कोई। घर के लोग ही हैं, कोई बात नहीं। हाँ, घर घर के हैं भाई, कोई बात नहीं। तो आप ऐसे रहो, सब नमाज पढ़ रहे हैं, सब नमाज, कोई बात है। जब आपको इतना समझा रहे हैं, उसके बावजूद आप जान नहीं दे रहे हैं। जब नमाज बंद करवा दी है, नहीं तो इतना ये घर है क्या, इतने जने घर है क्या? नहीं, आप देते रहना इसके, वो अभी मुकदमा दर्ज करूंगा मैं। हम पागल हैं, हम हमारा गला फाड़ फाड़ के हमारे गले के रिश्ते से कर रहे हैं। नहीं, नमाज क्यों, आप किस चलो उधर, चलो उधर, चल इसके बना पूरा वीडियो, पूरा बना। अरे लेट गो, लाइट ऑन करो, बाहर निकलो, आगे बाहर निकलो, सब बाहर जाओ। आजा ये रहा, ये हमारे बना। अरे निकलो बाहर, निकलो, वीडियो बना पूरा, और निकलो, सबके मुंह पे दर्द करता है। बाहर निकल, बाहर निकल,
इनको नमाज जल्दी गलत है आप जगह स्मार्ट हो गया उम्मीद मानते क्या नहीं तो ये देश तुम तो अपनी जगह रहो मैं जब प्रशासन हरकत में आता है तो इनके मुखिया फरार हो जाते हैं और इनके समर्थक भी देश के तमाम राज्यों में छुप जाते हैं। अगर ये इस देश के नागरिक हैं, इंसानियत के साथ हैं, तो सबसे पहले इनको सामने आना चाहिए था, लेकिन नहीं। जिस वायरस के कहर को सरकार ने और प्रशासन ने रोक रखा था उसमें अचानक से वृद्धि हो जाती है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि कोरोना इन जमातियों ने नहीं फैलाया, लेकिन अब ये फैला रहे हैं। इन्हीं का नतीजा है कि देश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये जमाती सही है तो फिर ये तस्वीर क्या है? पहले आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जब पुलिस इनको हर राज्य में ढूंढ कर निकाल रही है और क्वारंटाइन के लिए ले जा रही है तो ये उन पर थूक रहे हैं। ये सिर्फ थूक नहीं है बल्कि उस पुलिस वाले के ऊपर जानलेवा हमला है, बल्कि उससे भी खतरनाक हमला है। वो तो हमारा हिंदुस्तान है जो इन सांपों को पाल रहा है, क्योंकि हमारा कानून बहुत लचीला है। इतना ही नहीं, अभी तो और भी बहुत सी तस्वीरें हैं हमारे पास। हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर शहर में एक ऐसा मोहल्ला होता है जहाँ देश का कानून नहीं चलता है, जहाँ राज्य की पुलिस नहीं जा पाती, वहाँ थाने से ज़्यादा हथियार मिलते हैं। इस बात को मैंने निजी तौर पर भी देखा है। इंदौर के एक मोहल्ला तालपट्टी बाखला में जब डॉक्टर और प्रशासन के लोग कोरोना मरीज की जानकारी मिलने के बाद पहुंचते हैं तो क्या होता है, पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। अगर ये डॉक्टर 3 सेकंड भी लेट हो जाते तो शायद आज हमारे बीच ये बताने के लिए खड़े नहीं होते। नहीं आए हम लोग ने जैसे पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। कितने लोगों की टीम गई थी? मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम दो टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। इन जमातियों को देश के जिन राज्यों में पकड़ा जा रहा है और क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये वहीं पर आफत मचा कर रखे हुए। गाजियाबाद के एक आइसोलेशन वार्ड में जमातियों ने इतना आतंक मचा दिया कि वहां के CMO को प्रशासन से मदद की गुहार लगानी पड़ी। ये जमाती आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर और नर्स के सामने नंगे होकर घूम रहे हैं, अश्लील गाने सुन रहे हैं, कर्मचारियों से बीड़ी सिगरेट मांग रहे हैं और नर्सों को अश्लील इशारे कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, इतना होने के बाद भी इनका इलाज हो रहा है। दूसरे देश में तो नरक में इनका आइसोलेशन हो रहा होता। एक और तस्वीर देखिए, ये क्वारंटाइन सेंटर में है। ऐसे क्वारंटाइन का क्या फायदा? लेकिन ये नहीं मानेंगे, इन्होंने कसम खा रखी है कि हमारी तपस्या और त्याग को मिट्टी में मिला कर रहेंगे। आज पूरी दुनिया के लोग इनकी निंदा कर रहे हैं। इस वक्त इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर DK त्यागी। ये रहते इंग्लैंड में जरूर है, लेकिन इनका दिल हिंदुस्तान में रहता है। त्यागी जी, आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, आप खुद ही इसका जवाब दीजिए। इंग्लैंड के अंदर जो आंकड़े हैं बहुत स्पीड से बढ़े हैं लास्ट 1 वीक में, तो हम जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इतना सेफ था हमारा, हम इतने खुश थे, इतने हैप्पी थे, मोदी जी ने सारा कुछ कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन 2 दिन से जो मस्जिद में लोगों ने हालात खराब करे इंडिया के, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबकी सुरक्षा का सवाल है। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने ये कहते हैं कि मैं तो इनको एक जालिम कहूंगा, ये जालिम है, अब कहने में कोई दो राय नहीं है, जालिम है, जो देश को जो है ये बीमारी जानबूझ के किया है इन्होंने, इकट्ठा होकर एक दूसरे पर जो थूकना ये करना, तो ऐसे जालिमों को कठोर सजा होनी चाहिए और इनको जेलों में डाल देना चाहिए। इनका इलाज भी जेलों के अंदर ही होना चाहिए कि हमारे की डॉक्टरों के साथ जो बदतमीजी हो रही है, ये बहुत बड़ा अभद्र व्यवहार जो हो रहा है और नर्सों के साथ में, डॉक्टरों के साथ में, ये बहुत बड़ा है।
मैं ये देखता हूँ हिंदुस्तान में जो आजादी है, वो कहते थे अभी पीछे कहते थे कि भी वहां पे ये है आजादी नहीं है, ऐसे सुनता है ये है, तो जरा इन लोगों को बोले जरा यूरोप में आके दिखाएं और ये यूरोप के अंदर ये काम करके दिखाएं, जो ये इंडिया में जितनी आजादी इन लोगों को है, जितना ये करते हैं पुलिस पर हाथ छोड़ना है ये करना, क्या ये यूरोप के अंदर ये आके दिखाएं इनको, इस कंट्री में आए इंग्लैंड में अमेरिका में इन कंट्रियों में ये बदतमीजी करके दिखाएं, इनको पता लगे कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान कितना आजाद देश है, हिंदुस्तान में इन लोग कितनी आजादी है हमारी, इस देश के अंदर भारत के अंदर जो आजादी है शायद दुनिया के किसी मुल्कों में, मैं कहता हूं जितने भी मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर खुश हैं और जितने आजाद हैं इतने वर्ल्ड में शायद वो कहीं होंगे, किसी भी अरब की कंट्री में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, यूरोप में अमेरिका में चले जाइए, यहां बदतमीजी करके दिखाएं, ये अरब के अंदर बदतमीजी कर लें, किसी भी कंट्री में कर लें, जितनी बदतमीजियां जितने ये जितने आजाद होके जितना हमारी सेना के ऊपर पत्थर फेंकना, पुलिस से हाथापाई करना, और अभी देखने वाले डॉक्टरों के साथ नर्सों के साथ जो बदतमीजी हो रही है, तो मैं कहता हूँ हमारे जैसा मुल्क तो वर्ल्ड में ऐसा तो आजादी वाला मुल्क आजाद, जितनी आजाद हमारी आजादी है लोगों को वहाँ पे, तो ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऐसा मुल्क कोई नहीं है जैसा भारत हमारा मुल्क है। त्यागी जी, आज सुबह आपसे फोन पर बात हो रही थी तो आप शायद भारत सरकार से कुछ अपील करने की बात कह रहे थे, आप बोल दीजिए अभी आपको जो भी कहना है। मैं अपनी भारत सरकार से नागरिक उड्डयन मंत्री से कहना चाहता हूँ, जैसे ही अगर ये होता 21 दिन के लॉकडाउन के बाद, कृपया करके एयर इंडिया की एक दो फ्लाइटें ऐसी यहाँ इंग्लैंड भेजी जाएं, जो भारत के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से निकाल वो जाना चाहते हैं अपने वतन, तो उनको कृपया उनकी हेल्प की जाए, उनको अपने वतन वापस जाने का जो उनका ख्वाब है, उनके मम्मी पापा हैं वो बड़े परेशान हैं कि इस आपदा क्यों अका ये जो चल रहा है इंग्लैंड में, जो डेली जो आंकड़े बढ़े हैं, तो इंडिया के जो फैमिली वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी मम्मियाँ वहाँ पर रोती हैं फ़ोनों पर कि बेटा ठीक है ये है सब, पापा उनके परिवार वाले सब परेशान हैं। तो मैं भारत की सरकार से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके जैसे ही हमारा लॉकडाउन 21 दिन का लॉकडाउन ख़त्म होता है, तो हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर जी से और नवनागरिक उड्डयन मंत्री जी से, भारत सरकार से, जो स्टूडेंट वापस जाना चाहते हैं तो कृपया उनकी हेल्प की जाए, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट भेजी जाए, जैसे कि ईरान से निकाला है, चाइना से निकाला, इटली से निकाला है, तो यहाँ के स्टूडेंट जो हमसे बात करते हैं हम उनको कहते हैं कि प्लीज़ आप धैर्य रखिए, ऐसा नहीं है, अगर कुछ ना कुछ रास्ता अभी निकलेगा 15 अप्रैल के बाद, और जितनी हेल्प हमसे हो रही है खाने की, उनको जितनी भी हेल्प होती है हम करते हैं लोगों को, लेकिन स्टूडेंट काफ़ी यहाँ पे फंसे हुए हैं और काफ़ी स्टूडेंट अपना वतन जाना चाहते हैं, कृपया मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तो इन स्टूडेंट को कृपया हेल्प की जाए, और ये जो अपने वतन जाना चाहते हैं इनके लिए स्पेशल फ्लाइट भेजी जाए, कुछ इनके लिए जितना इसे जल्दी हेल्प हो सकती है, तो भारत सरकार को, और ये हाई कमीशन को भी शायद मेल कर रहे हैं, टच में हैं हाई कमीशन के भी, तो वहाँ से भी इनको अच्छा आश्वासन मिल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस आपदा घड़ी में हमारे स्टूडेंटों के साथ है और हम भारतीयों के साथ है। जय भारत, भारत माता की जय। अब हम वापस हिंदुस्तान लौटते हैं और फिर से उन्हीं तस्वीरों पर चलते हैं। क्या हो गया इनके मानसिकता को, जान बचाने वाले के जान लेने पर तुले हुए हैं। अगर घर में कोई पागल हो जाता है और हमलावर हो जाए तो हम उसको पागलखाने में डाल देते हैं, लेकिन सरकार क्या करे, ये तो मानव बम से भी ज्यादा खतरनाक है। चंद नासमझ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये तो मरेंगे ही, हमें भी मार रहे हैं। अगर ये मरेंगे तो लाश को चार कंधे भी नहीं मिलेंगे, परिवार वाले अंतिम संस्कार और जनाजा भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। डेड बॉडी कहाँ और कैसे डिस्पोज करना है ये सरकार का निजी मामला है। आज मैं imn9.live के माध्यम से इन तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस वक्त में आपसी मनमुटाव को भुलाकर एक साथ आगे बढ़कर इस जंग से मुकाबला करें, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो फिर लड़ देंगे।